पहले तो ये है कि चर्चा होगी जिले वाइज, 11 तारीख को कुल्लू और मंडी का अभी जो है संभावना है कि हम एक कार्यक्रम रख रहे हैं कुल्लू में, पहले कुल्लू में फिर मंडी में, और उसके बाद चंबा और कांगड़ा, ये पहले दौर में 4 जिलों में जाएंगे। और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र से ज़्यादा मांग आएगी उन्हीं क्षेत्रों को हम इसकी खेती के लिए, क्योंकि पहले लोग भी तैयार होने चाहिए, लोग हम ज़बरदस्ती क्यों बोलें, कोई लोग तैयार होंगे लोगों की तरफ से, यह आएगी कि हम इसको इसकी गुणवत्ता को जानते हुए कोई चाहते हैं कि हम इंटरक्रॉपिंग में यूज़ करें और हमारी सरकार इसे इसके जो सकारात्मक पहलू है, जो नशा के बगैर नशे को प्रोत्साहन देना बिल्कुल भी इस पॉलिसी का काम नहीं है, दवाइयों के लिए भांग का इस्तेमाल हो, इस पे हम आगे बढ़ेंगे। और टेक्सटाइल में, पेपर में, पेपर इसका बहुत बढ़िया बनता है, और बहुत सारी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट में इसका, ये तो आप आज भी उगा सकते हैं लीगली, अगर वो जो जैसी भांग की खेती, ये तो हमने पता नहीं क्यों आज तक इन बातों को गहनता से हमने पढ़ा नहीं, इनके कानून में अंदर घुसे नहीं। अभी ये पाया गया कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो आप सिंपल DC सेक्शन 10 के तहत प्रदेश का सब्जेक्ट है, क्या आप इसको कर सकते हैं, जो नशे बगैर नशे वाली भांग है जिससे कि रेशा पैदा होगा। और जितने प्रदेशों की वो है ना, उनसे जानकारी लेके हम एक कदम आगे बढ़ते हुए सर्वश्रेष्ठ पॉलिसी इस पर लाएंगे, ताकि जो ये कानून के पेच में हमारे गांव का नौजवान और जो बेरोजगार फंसा हुआ है और वो लालच में आकर इसके गैरकानूनी काम में पड़ रहा है, उसे कोई गैरकानूनी काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना जो दवाइयों के लिए बिना नशे वाली भांग है या कंट्रोल्ड में उगाई गई भांग है, कंट्रोल्ड फार्मिंग में, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और ये जो नशे का जो ये जो बड़ा बाजार इलीगल जो चल रहा है, इसे जो है जो रोकने में फ़ायदा मिलेगा, और ये रोज़गार के लिए और पर्यटन के लिए बहुत बड़ा कदम साबित होगा।